हेलो फ्रेंड्स, नोबेल पब्लिक स्कूल गोवर्डिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु नोवल कोरोना वायरस, जो आज एक वैश्विक महामारी की रूप ले चुकी है। इस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी भाषा से संबंधित है। जो हिंदी को जानने के लिए बेसिक की जानकारी रहना आवश्यक है, तो आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार, वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ध्वनि के बारे में जानते हैं। जो ध्वनि क्या है, ध्वनि मानव के मुख से बाहर निकलने वाली आवाज को हम लोग ध्वनि कहते हैं। जो मानव के मुख से बाहर आवाज निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, और इस आवाज को एक सिंबल बनाए गए हैं, उनको हम लोग वर्ण कहते हैं। मानव के मुख से बाहर निकलने वाली आवाज को जो एक सिंबल बनाए गए हैं, इनको हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं प, ये प हमारे मुख से बाहर आवाज निकलती है और इनको हम लोग एक सिंबल ये दिए हैं। जैसे है म, जैसे है क, च, ये सिंबल हम दिए हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं वर्ण। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 48 या 52 है। 48 कब है और 52 कब, तो 48 पर हम लोग पहले देखते हैं। 48 हिंदी देवनागरी लिपि में, देवनागरी देवनागरी लिपि में टोटल वर्णों की संख्या 48 है। हिंदी देवनागरी लिपि में टोटल वर्णों की संख्या 48 है, और आधुनिक हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या 52 है। तो हम लोग वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, देवनागरी लिपि में टोटल वर्णों की संख्या कितना है, और आधुनिक हिंदी व्याकरण में टोटल वर्णों की संख्या है, ये जाने। अब हम लोग आते हैं जो वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, यानी टोटल वर्ण को हम लोग तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, और तीसरा संयुक्त वर्ण। वर्ण के तीन भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। स्वर वर्ण टोटल संख्या है इनका 11, व्यंजन वर्ण टोटल है 33, और संयुक्त वर्ण 4 है, टोटल वर्ण 48। स्वर वर्णों की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और संयुक्त वर्णों की संख्या 4। स्वर वर्ण क्या है, वर्ण को तीन भेद हम लोग पढ़े हैं। जो वर्ण के तीन भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। अब हम लोग पढ़ते हैं जो स्वर वर्ण क्या है। मानव के मुख से
जो आवाज बिना रुकावट के बाहर निकलती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। मानव के मुख से बिना रुकावट के जो आवाज बाहर निकलती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं और स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। अ आ हर्षि दीर्घी हर्षु दुर्गु ए ऐ ओ औ और री। ये टोटल स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अ आ हर्षि दीर्घी हर्षु दुर्गु ए ऐ ओ औ और री। अंग और अ पर हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और री जो है ये संस्कृत में इसका उपयोग अधिकतर होता है। तो टोटल वर्णों की संख्या हम लोग पढ़े थे जो 48 हैं और स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 में ओ आ हर्षि दीर्घि हर्षु दुर्गु ए ऐ ओ औ और री। अब यदि स्वर वर्ण 11 तो मात्रा कितनी है, हम लोग मात्रा पढ़ते हैं तो स्वर वर्णों की मात्रा टोटल 10, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं क, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम लोग जो लिखेंगे जो क आकार तो आ की मात्रा आता है। यदि हम लिखते हैं क हर्षिकार तो ये हर्षी की मात्रा आएगी, यदि लिखेंगे क दीर्घिकार तो दीर्घी की मात्रा आएगी। तो यदि मात्रा पूछे तो 10 होगा। बहुत बच्चे को मात्रा पूछा जाता है तो वह स्वर वर्ण की टोटल संख्या को मात्रा बोलते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं है। इसीलिए मात्रा जब भी कोई पूछे तो मात्राओं की संख्या कितनी है तो 10, और स्वर वर्णों की संख्या कितना है तो 11। अब ये स्वर वर्ण इनको दो भाग में बांटकर अध्ययन किया गया है। ये स्वर वर्ण स्वर को दो भाग में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आएगी और दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 स्वर वर्ण आएंगे। तो मूल स्वर के अंतर्गत 4 स्वर अ हर्षि हर्षु और री, ये 4 मूल स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ दीर्घी उ ए ऐ ओ औ। तो मूल स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। नेक्स्ट व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को हम लोग पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखते हैं। ये कंठ कहते हैं, कंठ ये कंठ है, कंठ से ऊपर ताला भी होते हैं, उसके ऊपर मूर्धा होते हैं, उनके ऊपर दंत होते हैं और उनके ऊपर ओष्ठ होते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ है जो मानव के मुख से जो रुक कर आवाज बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। वह डायरेक्ट नहीं जो है आवाज बाहर निकलती है, वह कहीं ना कहीं जो है
वह एयर लेती है और वहां से जो है बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कंठ से कौन से वर्ण बोलते हैं, तालव्य से कौन से वर्ण बोलते हैं, मूर्धा से कौन से वर्ण बोलते हैं, दंत से कौन सा वर्ण बोलते हैं और मुष्ट से कौन सा वर्ण बोलते हैं। तो वर्णों की संख्या 33 है। ये 33 वर्ण जो कोई कंठ से, कोई तालव्य से, कोई मूर्धा से, कोई दंत से और कोई ओष्ठ से बोले जाते हैं, तो हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। तो कंठ तालव्य मूर्धा दंत और ओष्ठ। कंठ से हम लोग क ख ग घ र, तालव्य से च छ ज झ य, मूर्धा से ट ठ ड ढ न, दंत से त ठ द ध न और ओष्ठ से प फ ब घ म। बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जो ख किससे जो है बोलते हैं, तो कंठ से। तालव्य से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो च छ ज झ य, और ये आप है ये नासिक से भी बोले जाते हैं। तो कंठ से बोलने वाले अक्षर क वर्ग, तालव से बोलने च, मूर्धा से बोलने वाले ट वर्ग, दंत से बोलने वाले त वर्ग और ओष्ठ से बोलने वाले प वर्ग। बिना दांत के हम लोग त थ द ध न ये नहीं पढ़ सकते हैं। अब आते हैं य र ल व, तालव स मूर्धन स दंत स ह, ये व्यंजन है य र ल व, तालव स मूर्धन स दंत स और ह। बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है जो उष्म व्यंजन कौन सी है, अर्धस्वर व्यंजन कौन सी है, पार्श्व व्यंजन कौन सी है और लंठित व्यंजन कौन सी है। हम लोग इनके बारे में जानते हैं, ये कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ समझे हैं और हम लोग समझते हैं य र ल व तालव स मूर्धन स दंत स और ह ये कौन कौन सी व्यंजन है। तो हम लोग ये दोनों, ये इनको कहा जाता है अर्धस्वर। ल को कहा जाता है पार्श्व व्यंजन, र को कहा जाता है लंठित व्यंजन और स ह और ह इस तीनों को कहा जाता है उष्म व्यंजन। जब हम लोग तालव स मूर्धन स और दंत स ये इसको बोलते हैं तो उष्म यानी गर्मी गर्म जो है सौंध निकलती है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। तो टोटल व्यंजनों की संख्या 33, ये 25 है, ये क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5, ये टोटल जो है वह 25 है और ये 8, तो टोटल व्यंजनों की संख्या 33।